each stage of the sequence, the sulfur is oxidized, reduced or neither oxidized or reduced. ठीक है, तो उसमें बस ये पूछ रहा है कि वन में क्या हुआ है. तो सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर ट्राइऑक्साइड बना, तो ऑक्सीजन ऐड हुआ है, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, राइट. ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना चाहो तो निकाल सकते हो. जैसे इसमें कैसे निकालोगे सल्फर की, सल्फर की अगर एक्स ले लोगे, ऑक्सीजन की मैंने बताया कि हम फिक्स रखते हैं -2 = 0, तो ये हो जाएगी x = +4. सल्फर ट्राइऑक्साइड में सल्फर की जब एक्स लोगे ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीजन की -2, तो 3 ऑक्सीजन है, तो ये हो जाएगी +6. इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, ऑक्सीडेशन. इसमें अगर सल्फर की निकालनी है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो हाइड्रोजन की हम +1 लेते हैं नॉन मेटल्स के साथ, सल्फर की एक्स और ऑक्सीजन की -2 = 0. तो इसमें हमारे पास कितनी आ जाएगी, x + 2 - 8 = 0, x - 6 यानी x = +6. तो 2 में सल्फर ट्राइऑक्साइड से जब सल्फ्यूरिक एसिड बना है तो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हुई है, पहले ऑक्सीडाइज हो रहा है फिर नो चेंज, और पहले ऑक्सीडाइज हो रहा है फिर नीदर. थर्ड में क्या हुआ है, H2S में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, हाइड्रोजन के हम +1 लेते हैं नॉन मेटल्स के साथ, सल्फर 0, तो ये हो जाएगी x = -2. यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है तो रिड्यूस हुआ है. फिर आखिर में सल्फर डाइऑक्साइड की हमने पहले भी निकाली है सल्फर की, सल्फर डाइऑक्साइड में +4, -2 से +4 अगेन इंक्रीज हो रही है, सही है. चलें आगे. अच्छा, कुछ क्वेश्चन इस तरह के होते हैं, जैसे क्वेश्चन 20 है, इसमें वो आपसे कह रहा है कि रिएक्शन बिटवीन एसिडिफाइड डाइक्रोमेटाइन Cr2O7 2- एंड एक्वस Fe2+ आयंस रिजल्ट इन द डाइक्रोमेट 6 आयंस बीइंग रिड्यूस्ड टू Cr3+ आयंस. तो व्हाट इज द करेक्ट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन. अच्छा, इसमें आपको बैलेंसिंग भी देखनी होगी और चार्जेस की बैलेंसिंग भी देखनी होगी. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसमें जो ए है इसको देखूं, तो इसमें हमारे पास वो कह रहा है कि डाइक्रोमेट आयन जो है वो रिएक्ट हुए Fe2+ आयन के साथ, ठीक है. Fe2+ आयन रिजल्ट्स इन डाइक्रोमेट आयन बीइंग रिड्यूस्ड, तो क्रोमेट जो है वो रिड्यूस्ड हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, तो वो रिड्यूस्ड होगा, तो वो Cr3+ ही सब में बनाया हुआ है. तो एक तो हम बैलेंसिंग देखेंगे कि क्या बैलेंस सही की हुई इक्वेशन यानी की हुई, चार्जेस की बैलेंसिंग भी देखेंगे. देखो यहाँ पे -2 है, आयरन 2+ है और हाइड्रोजन +1 है और 14 मोल है, तो 14 × +1 तो ये +14 हो जाएगा, तो ये कितना बन रहा है, +14. राइट हैंड साइड पे 2, 3 = 6 और 3, तो ये चार्जेस भी देखो, मोल्स भी बैलेंस होने चाहिए और ओवरऑल चार्जेस भी बैलेंस होने चाहिए. तो राइट हैंड साइड पे चार्ज बन रहा है +8, लेफ्ट पे +14, तो इसमें बैलेंसिंग सही नहीं हुई हुई है. आयनिक इक्वेशन में चार्जेस भी बैलेंस होने चाहिए और मोल्स भी बैलेंस होने चाहिए, तो ए गलत हो जाएगा. इसी तरह देखो, मोल्स ऑफ एटम्स तो सारे ही बैलेंस दिख रहे हैं, चार्जेस देख लो, यहाँ पे -2 + 2 = 0 और ये +14 और यहाँ पे +6 और +6, तो +6 + 6 बन रहा है +12, अगेन नॉट बैलेंस्ड. सी में -2 और अच्छा यहाँ पे ना ये 2 से मल्टीप्लाई भी होगा. अगर मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड देखूँ ना, तो ये है -2, +4 and +14 और राइट हैंड साइड है +6 and +6, ठीक है. तो ये भी देखना है और मोल्स ऑफ एटम्स भी देखना है, क्या वो बैलेंस है या नहीं है. और दूसरी बात, Fe2+ आयन लेफ्ट हैंड साइड पे होना चाहिए और Fe3+ आयन राइट हैंड साइड पे होना चाहिए, अगर तो वो क्या कहते हैं ऑक्सीडाइज्ड हुआ है. Fe2+ आयन ऑक्सीडाइज्ड होगा मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, समझ आ रही है बात. तो वर्कआउट करना है इसमें, सिर्फ ज्यादा कुछ इसे मैथ्स है और कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में. जरा करके बता दो क्या बन रहा है आंसर. ये बना आपका 2 + 14, तो इट वुड बी 16. तो 16 लेफ्ट पे बन रहा है, राइट पे 12 बन रहा है, +16 + 12, तो इक्वल तो नहीं है ना, ए भी नहीं हुआ, बी भी नहीं हुआ. इसी तरह सी में भी देखो और डी में भी देखो.
सी में हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे बन रहा है नेगेटिव टू पॉजिटिव सिक्स पॉजिटिव 14, और राइट हैंड साइड पे बन रहा है पॉजिटिव 6 एंड 3 3s are 9 प्लस 9, तो ये बना हमारा पॉजिटिव 15 राइट हैंड साइड पे, और लेफ्ट हैंड साइड पे जो है वो 4 + 14 पॉजिटिव 18, तो ये भी नहीं हो रहा। इसी तरह लास्ट इक्वेशन में नेगेटिव 2 6 2s are 12 एंड 14, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास है पॉजिटिव 6 और पॉजिटिव 18, तो 18 प्लस 6 हो गया हमारे पास 24, पॉजिटिव 24, और लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास माइनस 2 प्लस 12 इज प्लस 10 प्लस 10 इज 14 इज अगेन प्लस 24, तो यहाँ पे चार्जेस भी बैलेंस है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स भी बैलेंस है, तो डी इसका आंसर होगा। समझ आई बात? सर इसको हम लोग एक आसान मेथड से भी कर सकते हैं। जैसे कि सर क्रोमियम जो है वो रिड्यूस हो रहा है, उसकी रिडक्शन में 6 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं, और आयरन की ऑक्सीडेशन में 1 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, तो उसके नंबर को स्वैप कर दें। वो जो फ्लिप फ्लॉप आप कह रहे हो, हाँ वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए तुम्हें इक्वेशन समझ आनी चाहिए कि क्रोमियम जो है उसमें हमारे पास प्लस 6 से क्रोमियम जो है वो प्लस 3 जा रहा है, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स हमारे जो है वो क्या कह रहे हैं गेन हो रहे हैं, क्रोमियम के पास गेन ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन हो रहा है, आयरन के लॉस इलेक्ट्रॉन हो रहे होंगे, लेकिन एच पॉजिटिव आयन के भी फिर कंसिडर करने पड़ेंगे तुम्हें, तो वो उसमें मुश्किल हो जाएगी। सर एच पॉजिटिव तो सेम है दोनों साइड पे। नहीं यहाँ पे तो प्लस 14 बन रहा है ना चार्ज, राइट हैंड साइड पे जो है हमारे पास उसका चार्ज आपको 14 ही बनेगा, लेकिन वो H2O मॉलिक्यूल में आ गया। सही है, अगर वैसे समझ आ रहा है तो ठीक है। फ्लिप फ्लॉप जो है जब पूरी इक्वेशन बैलेंस करने के लिए होती है तो फिर हम उसको यूज कर रहे होते हैं। यहाँ पे जो है जो क्विक मेथड है वो यही है कि मैं इनके चार्जेस ऐड कर लूँ। तो ये सारा काम कैलकुलेटर से ही करना है, कुछ आपको लिखना नहीं है इसमें। लेफ्ट हैंड साइड करो राइट हैंड साइड करो इक्वल आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो बाकी अगर किसी और मेथड से कर रहे हो और आपको वो आता है तो गुड इनफ। ठीक है आगे बढ़े। मुझे एक ये समझ नहीं आया 20 वाला, दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे? देखो मैं हमने ना इसमें जो चार्जेस है ना, देखो हमारा जो है क्रोमेट आयन जो है वो क्रोमियम 3 पॉजिटिव आयन में रिड्यूस हुआ है, ये भी सही है। Fe2 पॉजिटिव आयन जो है वो Fe3 पॉजिटिव आयन है। अब वो सब में उसने Fe3 पॉजिटिव आयन लिखा हुआ है, तो मतलब सब में इस Fe3 ये तो नहीं देख सकते कि आयरन शायद जो है वो गलत ऑक्सीडाइज हो गया। तो आपने बैलेंसिंग चेक करनी है। अब बैलेंसिंग देखो तो एटम्स जो है तो बैलेंस है, क्रोमियम इक्वेशन ए में लेफ्ट हैंड साइड पे 2 है, राइट पे भी 2 है, आयरन भी लेफ्ट पे 1 राइट पे 1, ऑक्सीजन 7 लेफ्ट पे राइट पे 7, हाइड्रोजन 14 लेफ्ट पे हाइड्रोजन राइट पे 14, तो मोल्स तो ऑफ एटम्स तो सारी इक्वेशन में अगर देखोगे ना तो बैलेंस ही है, तो उसके लिए भी हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो दूसरा हमारे पास और क्या, चार्जेस भी बैलेंस आयन के में चार्जेस भी बैलेंस होने चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड पे अगर चार्जेस देखो तो क्रोमेट आयन का नेगेटिव 2 है, आयरन आयन का 2 पॉजिटिव है, और हाइड्रोजन का प्लस 1 है, लेकिन 4 मोल ऑफ एच प्लस आयन है ना, तो ये हो जाएगा प्लस 14। इसी तरह राइट हैंड साइड पे यहाँ पे क्रोमियम का 3 पॉजिटिव 2 मोल है, तो 2 3 6 और यहाँ पे 3 पॉजिटिव, तो जिनमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड चार्जेस की इक्वल आ रही है वो इक्वेशन सही बैलेंस हुई है, तो सिर्फ एक ही इक्वेशन में आ रही है डी। सही है मरियम? यस सर। अच्छा ये वाला बताओगे 22 कह रहा है ऑक्सीडेशन ऑफ इथेन डायोड ये C2O4 नेगेटिव आयंस बाय एसिडिफाइड मैग्नेट आयंस, मैग्नेट आयंस कहाँ से आता है? KMnO4 से आता है, और KMnO4 हमें पता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसने इथेन डायोड को ऑक्सीडाइज किया। अच्छा ये जो है ना आपको अगर याद हो लेवल से पढ़ते आ रहे हो, KMnO4 हम एसिडिक मीडियम में लेते हैं, एसिडिफाइड KMnO4 होता है राइट, तो इसलिए एच पॉजिटिव आइन भी है। अच्छा मैंगनीज 2 पॉजिटिव आइन कैटलाइजेस दिस रिएक्शन, मतलब देखो कैटलिस्ट इसमें जो है प्रोडक्ट में बन रहा है, तो ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट में कैटलिस्ट बन रहा होता है ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं ऑटो
कैटेलिटिक रिएक्शन ठीक है कह रहे विच ग्राफ शोज हाउ द कंसंट्रेशन ऑफ एसिडिफाइड मैग्नेट आयंस वेरीज आफ्टर इथेन डायोड आयंस आर एडेड तो मैग्नेट आयंस ज़्यादा रिएक्ट हो रहे हैं तो उनकी कंसंट्रेशन ऑब्वियसली डिक्रीज होगी तो हम लोग जब टाइम के रिस्पेक्ट से कंसंट्रेशन का ग्राफ बनाते हैं तो यहाँ पे मैग्नेट आयंस की कंसंट्रेशन होगी वाई एक्सिस पे तो वो डिक्रीज होगी ज़्यादा रिएक्टेंट जैसे जैसे कंज्यूम होगा कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है और रेट ऑफ अ रिएक्शन जो है वो डिक्रीज होता है तो इस तरह से हमारा ग्राफ बनता है राइट लेकिन अगर रिएक्शन के अंदर रिएक्शन होने पे प्रोडक्ट में कोई कैटलिस्ट बन रहा होता है तो फिर क्या होता है देखो पहले इनिशियली तो कैटलिस्ट नहीं बन रहा था ना जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो पहले तो ग्राफ ऐसे ही नीचे जाएगा लेकिन बीच में कैटलिस्ट बनेगा ना तो कंसंट्रेशन तो डिक्रीज हो रही है रिएक्टेंट की लेकिन बीच में रेट इंक्रीज होता है वो रेट इंक्रीज कैसे होता है ग्रेडियंट जो है वो इंक्रीज हो जाता है और फिर दोबारा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कंसंट्रेशन कम हो रही है रिएक्टेंट की तो रेट डिक्रीज होगा इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बना हुआ होता है यहाँ पे ये जो कर्व में ग्रेडियंट इंक्रीज आते हैं ना देखो ये ग्रेडियंट डिक्रीज हो रहा है पहला वाला ये ग्रेडियंट डिक्रीज हो रहा है यहाँ बीच में जो है ना वो ग्रेडियंट इंक्रीज हुआ है मतलब रेट इंक्रीज हुआ है क्यों इंक्रीज हुआ है कि बीच में कैटलिस्ट बनना शुरू हुआ है और फिर दोबारा अल्टीमेटली ग्रेडियंट क्यों डिक्रीज हो रहा है क्योंकि जैसे जैसे रिएक्टेंट कंज्यूम होता जा रहा है तो अल्टीमेटली रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होना है तो ये ऑटो जिस बस ये याद रखो जब ऑटो कैटलिटिक रिएक्शन होगा ऑटो कैटलिट क्या होगा कि प्रोडक्ट में कैटलिस्ट बन रहा हो तो ग्राफ जो है वो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम कैसे बनता है कैटलिस्ट इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन तो हमारा आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा ऐसा ग्राफ जो है वो एक ही बना हुआ है डेट इज बी सर अगर ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता तो इसका आंसर ए होता ना फिर हाँ अगर रिवर्सिबल उल्टा जा रहे होते अगर MnO मैग्नेट आयंस प्रोड्यूस्ड हो रहे होते तो फिर इसका आंसर ए होता नहीं ए नहीं होता ए मतलब बिल्कुल सही नहीं बना हुआ वो पता है इस तरह का बनता देखो पहले कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी फिर इंक्रीज होगी और फिर अगेन डिक्रीज होगी तो ये वाली जो चीज़ है ना ऊपर ये गलत बनी है यूं बननी चाहिए ये अगर तो तुम जो कह रहे हो वैसा हो तो ऐसा बनना चाहिए और सर एंड पर कांस्टेंट हो जाएगी कंसंट्रेशन एंड पर फिर कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गई है ग्रेडियंट जीरो हो जाएगा मतलब रिएक्शन रुक गया खत्म हो गया रेट जीरो हो गया ठीक है चलें आगे जी सर अच्छा अब क्या कहते हैं 25 का आंसर आई थिंक आसान है कर तो सकते हो सारे अगर बैठो ना थोड़ा सा दिमाग लगाओ उन पे टाइम लगाना पड़ेगा इन क्वेश्चंस पे 25 में कह रहे हैं द ट्रीटमेंट ऑफ डोमेस्टिक वाटर सप्लाई एक इक्वेशन हमें ये दी हुई है दूसरी इक्वेशन हमें ये दी हुई है कह रहा है बोथ HClO एंड ClO नेगेटिव किल बैक्टीरिया बाय ऑक्सीडेशन व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन व्हेन फॉर्मिंग क्लोरेट आइन ClO नेगेटिव आइन जब बना है फ्रॉम एक्वस क्लोरीन तो एक्वस क्लोरीन ये और इसमें जो ClO नेगेटिव आइन बना है जब वो बना है तो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या चेंज आया है वो आपसे पूछ रहा है बस पहली इक्वेशन में क्लोरीन में पहली इक्वेशन क्यों है क्योंकि क्लोरेट आयन एक्वस क्लोरीन से पहली इक्वेशन में बना है ये एक्वस क्लोरीन है ना इससे क्लोरेट आयन यहाँ बना है दूसरी इक्वेशन में एक्वस क्लोरीन से नहीं बना है तो मैं दूसरी इक्वेशन नहीं देखूंगा पहली इक्वेशन देखूंगा बस तो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है पहली इक्वेशन में रिएक्टेंट साइड पे क्लोरीन एलिमेंटल फॉर्म में है ना एलिमेंटल फॉर्म में जीरो होती है और राइट हैंड साइड पे क्या है HClO नेगेटिव HClO नेगेटिव में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी हाइड्रोजन हमेशा प्लस वन होगा अगर वो नॉन मेटल्स के साथ है क्लोरीन एक्स और ऑक्सीजन हमेशा माइनस टू होता है ओवरऑल जीरो कितना आ जाएगा वन माइनस टू इज माइनस वन इज इक्वल टू जीरो एक्स इज इक्वल टू प्लस वन
तो जीरो से प्लस वन हो गई है, तो चेंज क्या हुआ, प्लस वन का चेंज हुआ। सही है। ट्वेंटी सिक्स का बताओगे आंसर? विच कंपाउंड कंटेन्स टू डिफरेंट एलिमेंट विद आइडेंटिकल ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब किसी एक कंपाउंड में दो एलिमेंट की सेम ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसमें जाहिर है क्लोरीन की निकालेंगे, अब हाइड्रोजन प्लस वन है, क्लोरीन निकालोगे और ऑक्सीजन भी फिक्स होती है, माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, क्लोरीन आ रहा है प्लस वन, हाइड्रोजन भी प्लस वन है इसमें, क्लोरीन भी प्लस वन है, तो यही आंसर हो जाएगा। सर क्वेश्चन 25 नहीं समझ आया। देखो क्वेश्चन 25 में आपसे ये कह रहा है, इन ट्रीटमेंट ऑफ डोमेस्टिक सप्लाईज क्लोरीन इज एडेड टू वाटर टू फॉर्म HClO, हाइड्रोक्लोरेट कहते हैं इसको, अभी नाम नहीं पता आपको, आप HClO कह लो बस। पहले हमने पहली इक्वेशन में एक्वस क्लोरीन है, क्लोरीन एक्वस है, पानी के अंदर डिजोल्व है और उससे HClO बन रहा है। इस HClO में H पॉजिटिव आइन होगा और क्लोरेट नेगेटिव आइन होगा, द HClO रिएक्ट्स फर्दर टू गिव ClO नेगेटिव आइन्स। अच्छा तो कह रहा है कि बोथ HClO एंड ClO नेगेटिव आइन किल बैक्टीरिया। अब ये हमारी इंफॉर्मेशन किसी काम की नहीं है, हमें यहाँ पे ये कह रहा है व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन व्हेन फॉर्मिंग ClO नेगेटिव आइन। देखो जब आपने ClO नेगेटिव आइन बनाया ना, क्लोरीन एक्वस वो कह रहा है कि एक्वस क्लोरीन से यानी Cl2 से जब आपने ClO नेगेटिव आयन बनाया है तो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितना चेंज हुई है, पहले कितनी है जीरो और क्लोरेट में कितनी हो गई। अब सिर्फ क्लोरेट में निकाल लो, HClO में निकाल लो, एक ही बात है, तो ये हो जाएगी ऑक्सीजन माइनस टू इज इक्वल टू माइनस वन, तो माइनस वन प्लस टू ये कितना आ जाएगा प्लस वन, ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो से प्लस वन हुई है तो कितना प्लस वन इंक्रीज हुई है, चेंज कितना आया प्लस वन का। आ गई समझ? जी सर समझ आ गई। ऑन बी किसका आंसर कह रहे हो? सही, टू माइनस आपने किसकी लिखी थी? ऑक्सीजन की होती है टू माइनस। ओके अच्छा, इसमें ना कुछ क्वेश्चन इक्वेशन बैलेंसिंग के आते हैं, और इक्वेशन बैलेंसिंग देखो एक तो हम जिस तरह से बचपन से बैलेंसिंग करते आए, एक तो वो तरीका है ट्रायल एंड एरर जिसको हम कहते हैं, एक और हमने ना एक तरीका सीखना है, जैसे फॉर एग्जांपल ये है ना, क्लोरेट फाइव आइंस आर प्रोड्यूस इन द रिडॉक्स रिएक्शन बिटवीन क्लोरीन एंड हॉट एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑक्सीडेशन नंबर कैन बी यूज्ड टू हेल्प बैलेंस द इक्वेशन। हम ऑक्सीडेशन नंबर से भी ना बैलेंसिंग कर सकते हैं, कैसे करते हैं अब आपकी मर्जी है, अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर से करना चाहो वैसे कर लो, अगर आप ट्रायल एंड एरर से करना चाहो कि मैं वी की जगह क्या रखूँ, डब्ल्यू की जगह क्या रखूँ, एक्स की जगह क्या रखूँ, वाई की जगह क्या रखूँ, जेड की जगह क्या रखूँ, बैलेंसिंग हो जाए, लेकिन वो कभी कभार बहुत ज्यादा टाइम ले लेती है और बैलेंस कर भी नहीं पाते, इसलिए हम ऑक्सीडेशन नंबर से जो इक्वेशन को बैलेंसिंग करते हैं उस मेथड को हम कहते हैं फ्लिप फ्लॉप मेथड। ये जो फ्लिप फ्लॉप मेथड है इसमें मैं तुम्हें बताता हूँ क्या करते हैं। देखो इसमें हमारे पास Cl2 है, हाइड्रोक्साइड आयन क्लोराइड आयन बन रहा है और ClO3 माइनस वन और H2O। हमें करना है क्या होता है, ऐसे दो एलिमेंट ढूंढो जो जिनमें से एक ऑक्सीडाइज हुआ और एक रिड्यूस्ड हुआ हो। जैसे अगर मैं क्लोरीन को देखूं तो क्लोरीन लेफ्ट हैंड साइड पे जीरो है, राइट हैंड साइड पे क्लोराइड आयन Cl-1, इसका क्या मतलब है ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुई है, इलेक्ट्रॉन गेन हुए, कितने इलेक्ट्रॉन गेन हुए, टू मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन,
गेन करे होंगे हमने. अब यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है. अब प्रॉब्लम यह है कि क्लोराइड आई दो जगह पे, यहाँ पे सी एल माइनस वन और यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे दोनों की अलग अलग मुझे निकाल के देखनी पड़ेगी. जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं इस इक्वेशन को बनाऊ ना, तो यहाँ पे हमें ये पता है कि ये ऑक्सीडेशन स्टेट गई है जीरो से माइनस वन, और जीरो से माइनस वन जाने का मतलब ये है कि इसने इलेक्ट्रॉन गेन करें, रिडक्शन हुई है. तो यहाँ पे इक्वेशन बनाएंगे तो यहाँ पे टू आ जाएगा. अच्छा, क्लोरीन जो है वो सी एल ओ माइनस थ्री जब बना है तो उसमें क्लोरीन के साथ क्या हुआ है, उसमें अगर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट देखें सी एल ओ माइनस थ्री में कितनी है, तो क्लोरीन की जगह एक्स ले लिया, ऑक्सीजन की जगह माइनस टू, तो थ्री माइनस टू ओवरऑल इक्वल्स टू माइनस वन. तो ये आ जाएगी एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल्स टू माइनस वन, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वन प्लस सिक्स, तो ये आ रही है प्लस फाइव. तो इसमें क्लोरीन जो है वो प्लस फाइव हुआ है, जीरो से क्या हो गया है प्लस फाइव, और जीरो से प्लस फाइव होने के लिए इसने इलेक्ट्रॉन लूज करे होंगे, और कितने इलेक्ट्रॉन लूज करे होंगे, फाइव मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो एक इक्वेशन हमें रिडक्शन वाली मिल गई, एक ऑक्सीडेशन वाली मिल गई. अब हम इन दोनों इक्वेशन को ना ऐड करेंगे, जैसे इलेक्ट्रोलिसिस में ओ लेवल में हाफ इक्वेशन ऐड करते थे ना. इसी तरह यहाँ पे भी इन दोनों हाफ इक्वेशन को ऐड करेंगे, लेकिन ऐड करने से पहले इनके इलेक्ट्रॉन्स हमें बैलेंस करने पड़ेंगे. अभी इलेक्ट्रॉन बैलेंस नहीं है. यहाँ पे हमारे पास टू इलेक्ट्रॉन है ऊपर वाली इक्वेशन में, नीचे फाइव है, तो ऊपर वाली इक्वेशन को मैं फाइव से मल्टीप्लाई करा देता हूँ और नीचे वाली इक्वेशन को टू से मल्टीप्लाई करा दूंगा. तो ये इक्वेशन क्या बन जाएंगी, फाइव सी एल टू, फाइव टू टेन इलेक्ट्रॉन एंड फाइव टू टेन क्लोराइड आइन, टू सी एल टू, टू सी एल प्लस फाइव एंड टेन इलेक्ट्रॉन. मजा आ रही है बात. देखो अगर ये नहीं समझ आ रहा है तो मैं पहले इसका आसान वाला क्वेश्चन करा देता हूँ लोगों को. सर आसान वाला करवा दे. अच्छा, इसको अगर ट्रायल एंड एरर से बैलेंस करके देखो तो कर सकते हो. V की जगह अगर मैं 2 रखूं और अपना x की जगह पे अगर मैं 4 रखूं और y की जगह पे अगर मैं 2 रखूं, तो क्या क्लोरीन बैलेंस हो रहे हैं? लेफ्ट पे 4 बनेगा और राइट पे 4 से ज्यादा बन जाएगा, 4 तो यहीं बन गया और ये 2 6, तो a तो नहीं हो सकता. इसी तरह अगर मैं v की जगह पे ऑप्शन b में जो वैल्यूज दी हुई है वो रख के देखूं, v की जगह पे अगर 3 रखें और x की जगह पे ऑप्शन 3 में 4 दिया हुआ है, तो ये तो 3 टू द 6 क्लोरीन बन रहा है लेफ्ट हैंड साइड पर, राइट हैंड साइड पे कितने बन जाएंगे, 4 ये और 2 ये. हाँ, तो क्लोरीन तो यहाँ से बैलेंस हो रहा है, लेकिन व्हाट अबाउट अदर्स? जैसे अब मुझे Z नहीं पता, अब मुझे W नहीं पता. तो अगर मैं ट्रायल एंड एरर पे जाऊंगा ना, तो यहाँ पे चीजें थोड़ी सी कम करना मुश्किल हो जाएगा. तो तुम ट्रायल एंड एरर लगा तो लोगे शायद, मे बी तुम दो आंसर तुम्हारे दोनों बैलेंस कर रहे होंगे, लेकिन दो आंसर होंगे नहीं इसके. मैं तुम्हें थोड़ा सा ना एक पहले इसका एक आसान क्वेश्चन करा देता हूँ ताकि ना चीज समझ आ जाए, फिर मैं इस पे लेके आता हूँ दोबारा. ये करते हैं रिलेटिवली इजियर, लेकिन इसमें रुको एक मिनट. अच्छा, इस रिएक्शन को देखो, इसमें ना
अच्छा इसमें क्या एक इक्वेशन दी हुई है एच आई ओ आई टू एच आई ओ थ्री एंड एच टू ओ। इसमें इसके अपना एच आई ओ के लिखे हुए एम मोल्स, आयोडीन के लिखे हुए एन पी क्यू। अभी मोल्स फाइंड आउट करना है। अब देखो तुम्हें वैल्यू सिर्फ एन और पी की दी हुई है, तो अगर तुम ट्रायल एंड एरर करोगे भी इसमें तो फिर कर ही नहीं सकते, सिर्फ दो ही दी हुई हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, ऐसे एलिमेंट ढूंढेंगे जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाते हुए एक ऑक्सीडाइज हुआ और एक रिड्यूस्ड हुआ हो। अब हमारे पास आयोडीन ही ऐसा है जो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करेगा, हाइड्रोजन प्लस वन रहेगा सारे नॉन मेटल्स और ऑक्सीजन माइनस टू रहेगा हमेशा। तो आयोडीन लेफ्ट हैंड साइड पे एच आई ओ में आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है पहले आप वो निकालोगे। कैसे, हाइड्रोजन तो प्लस वन होता है हमेशा, आयोडीन निकालना है एक्स और ऑक्सीजन जो है वो हमेशा माइनस टू होता है, ओवरऑल जीरो। एक्स क्या हो जाएगा, प्लस वन माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू प्लस वन। तो आयोडाइड की ऑक्सीडेशन, आयोडीन जो है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो प्लस वन है यहाँ पे। अब आपने क्या करना है, राइट हैंड साइड पे एक बार आयोडीन दिया हुआ है आपको आई टू की फॉर्म में, जिसका क्या मतलब है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होगी, सिंपल एलिमेंट है ना, तो ये डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ है जो कि ऑब्वियसली गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से आएगा। अब इसको यहाँ पे मुझे कितने इलेक्ट्रॉन इसने गेन करे होंगे आइडिया, प्लस वन से जीरो गया है तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करा है, लेकिन यहाँ पे लेफ्ट पे आपने आयोडीन जो है वो एक है, तो यहाँ पे मैं टू लगाऊंगा पहले और फिर 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिखेंगे। सिमिलरली आयोडीन जो है वो एच आई ओ थ्री में जब गया है ना, कन्वर्ट हुआ है, तो उसमें उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम चेक करें तो वो कितनी आ रही है, हाइड्रोजन प्लस वन है, आयोडीन एक्स है और ऑक्सीजन इज थ्री इंटू माइनस टू, ओवरऑल जीरो। तो वन प्लस एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू प्लस फाइव। तो इसमें आयोडीन प्लस वन से प्लस फाइव हुआ है, दिस इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। आयोडीन इधर वन है, इस इक्वेशन में भी वन है, तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज हुए होंगे, 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड करना है तो इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने पड़ेंगे, तो जो ऊपर वाली इक्वेशन है उसको मैं मल्टीप्लाई बाय 2 करवा दूंगा, तो ये बन जाएगी 4i प्लस 4 इलेक्ट्रॉन इन टू आई टू, और नीचे वाली इक्वेशन में तो है ही 4 इलेक्ट्रॉन तो वो तो ऑलरेडी यही रहेगी, फिर इन दोनों इक्वेशन को मैं ऐड कर लूंगा, तो ये 4 और यहाँ पे 1i प्लस 1, तो ये बन जाएगा 5i प्लस 1, क्योंकि सेम है ना, दोनों को ऐड कर दिया, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे लेफ्ट और राइट पे, और राइट हैंड साइड पे 2i 2 प्लस i 1i 5। अब ये जो i पॉजिटिव आया है रिएक्टेंट साइड पे, एक एच आई ओ से आया है, तो इसके साथ 5 आ रहा है, मतलब इसके साथ जो है ना 5 मोल लगेगा, मतलब m की वैल्यू जो है ना वो 5 है। इसी तरह जो हमारा आई टू है वो कहाँ से आया है, यहाँ आई टू से रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड पे, इसकी जगह पे इसके, क्योंकि ये आई टू जो है वो जो ऊपर इक्वेशन है एन आई टू उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वहीं से आया होगा। इसी तरह आई प्लस फाइव के साथ 1 मोल लग रहा है, आई प्लस फाइव कहाँ से आया है, इधर एच आई ओ थ्री से आया प्रोडक्ट साइड पे, उसकी जगह पे पी है और यहाँ पे 1 आ रहा है, तो यानी पी जो है वो 1 है, तो हमें एम पता चल गया, लेकिन एम तो पूछा हुआ नहीं है उसने, एन की वैल्यू पूछी हुई है जो कि 2 है और पी की वैल्यू पूछी हुई है जो कि 1 है, यह आंसर हमारा बी बनेगा। समझ आया कुछ, सब सर पे से चला गया।
आगे करें या क्वेश्चन दोबारा कराऊं? सर क्वेश्चन दोबारा करवा दें। क्या कह रहे हो? क्वेश्चन दोबारा करवा दें बाकी लोग। देखो इस क्वेश्चन में बैलेंसिंग जब हमारे पास आती है ना, तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है उस इक्वेशन में हम लोग ऐसे दो एलिमेंट्स फाइंड आउट करते हैं जो कि एक ऑक्सीडाइज्ड हुआ हो और एक रिड्यूस्ड हुआ हो। अब रिएक्टेंट साइड पे हमारे पास है ही सिर्फ एक ही रिएक्टेंट HIO। HIO में भी मुझे पता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट अगर चेंज होनी है तो सिर्फ आयोडीन की होनी है, हाइड्रोजन हमेशा प्लस वन रहता है, ऑक्सीजन जो है माइनस टू रहता है, तो मैंने सिर्फ आयोडीन पर फोकस करना है। आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट HIO में जो रिएक्टेंट साइड पे वो कितनी है, हाइड्रोजन प्लस वन होता है, आयोडीन एक्स और ऑक्सीजन माइनस टू, ओवरऑल जीरो। तो ये क्या बन जाएगी, प्लस वन, मतलब इसमें रिएक्टेंट साइड पे जो आयोडीन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है प्लस वन। अब मुझे प्रोडक्ट साइड पे आयोडीन के दो ऐसे कंपाउंड ढूंढने हैं जिसमें एक में आयोडीन ऑक्सीडाइज हुआ, एक में रिड्यूस्ड हुआ, मतलब आयोडीन दो जगह पे है, एक आई टू की फॉर्म है जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है उसकी, और दूसरा हमारा HIO3 की फॉर्म में आयोडीन, जिसमें HIO3 में आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है वो निकालो, हाइड्रोजन प्लस वन, आयोडीन एक्स और ऑक्सीजन माइनस टू, थ्री इंटू माइनस टू, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस वन माइनस सिक्स जीरो, एक्स इज इक्वल टू प्लस फाइव। एक में आयोडीन प्लस वन से प्लस फाइव हुआ है और एक में आयोडीन प्लस वन से जीरो हुआ है। अब पहली इक्वेशन अगर मैं देखूं तो प्लस वन से जीरो होना मतलब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब रिडक्शन हुई है, इसने इलेक्ट्रॉन गेन करे होंगे, तो इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे लिखूंगा। अब राइट पे आयोडीन आई टू है तो लेफ्ट पे टू आई टू मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टू हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो दो ऐड करेंगे, एक आई प्लस वन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो दो जो है दो गेन करेंगे। इसी तरह स्टेट मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, कितने इलेक्ट्रॉन लूज हुए होंगे, प्लस वन से प्लस फाइव पे गया, चार इलेक्ट्रॉन लूज हुए होंगे। फिर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, लेकिन ऐड करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करने होंगे, नीचे वाली इक्वेशन में फोर है, ऊपर वाली इक्वेशन में टू है, तो ऊपर वाली इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई बाय टू करा दूं, तो ऊपर वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, फोर आई प्लस वन फोर इलेक्ट्रॉन एंड टू आई टू, और नीचे वाली इक्वेशन तो वही है जो थी, उसको हमने कुछ भी नहीं किया। दोनों इक्वेशन ऐड कर दूंगा तो टोटल लेफ्ट हैंड साइड पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो जाएंगे, पहली वाली इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे आई प्लस वन है, नीचे भी आई प्लस वन है, ऊपर फोर नीचे वन, तो टोटल हो गया फाइव आई प्लस वन। राइट हैंड साइड पे पहली वाली इक्वेशन के टू आई टू है और नीचे वाली इक्वेशन के आई प्लस फाइव। अच्छा लेफ्ट हैंड साइड पे जो आई प्लस वन है वो मेन इक्वेशन में HIO से 5 मोल होना चाहिए, M की वैल्यू हो जाएगी। प्रोडक्ट साइड पे I2 के साथ 2 मोल आए और वो कहाँ से आया होगा, मेन इक्वेशन में I2 के साथ जो मोल्स लगे हुए N, मतलब N की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 2, M हो गया 5, N की वैल्यू हो गई 2। इसी तरह I प्लस 5 कहाँ से आया, HIO3 से प्रोडक्ट साइड पे, इसके साथ वन लगा हुआ है, कुछ नहीं लगा मतलब वन है, तो पी की जगह पर क्या आना चाहिए, वन, पी की वैल्यू हो गई वन, हमसे एन और पी की वैल्यू पूछी थी तो एन टू पी वन, सही है। चलो कोई और ना, एक और क्वेश्चन मैं निकालता हूँ,
अभी हम क्वेश्चन कर रहे थे तो कहाँ चला गया? हम ये कर रहे थे ना, चलो अभी ये खुद ट्राई करो जरा। वैसे एक क्वेश्चन है वो Cl2OH-1। देखो रिएक्टेंट साइड पे हमारे पास एलिमेंट्स कौन कौन से, क्लोरीन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज ही नहीं करते ना, ऑक्सीजन माइनस टू रहेगी रिएक्टेंट साइड पे भी और प्रोडक्ट साइड पे भी, जहां जहां ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होगा तो उनको देखना बेकार है। तो हम क्लोरीन पे फोकस करेंगे क्योंकि क्लोरीन डिफरेंट कंपाउंड्स में डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है। अच्छा पहले रिएक्टेंट साइड पे क्लोरीन की जीरो है, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो। प्रोडक्ट साइड पे पहले Cl-1 बना है, तो लेफ्ट साइड पे अब ये डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ है, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इनका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करने के लिए मैं 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐड करा दूंगा इसमें। और जो दूसरी इक्वेशन बन रही है वो क्या है, Cl2। दूसरा यहाँ पे क्लोरीन आ रहा है Cl-O3-1 में, Cl-O3-1 में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बन रही है, क्लोरीन इज एक्स, ऑक्सीजन इज 3-2, ओवरऑल इज इक्वल टू -1, एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू -1, तो ये आ जाएगी -1 + 6, तो एक्स बन रहा है +5। क्लोरीन जो है वो जीरो से Cl2 से क्लोरीन +5 हुआ है, तो दिस इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और कितने इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फाइव नहीं सॉरी 10, 2 5 10 हो गया ना, 10 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ आई है यहाँ तक बात? मैंने दूसरी वाली इक्वेशन, पहली वाली इक्वेशन में 2 है, कुछ कह रहे हो मरियम? सर अभी तो नहीं, लेकिन समझने की कोशिश कर रहे हैं। ओके अच्छा, इलेक्ट्रॉन बैलेंस करो और ऐड करके बताओ क्या बन रहा है। पहली वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई बाय 10 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगी 5 Cl2, 5 2s are 10 इलेक्ट्रॉन, एंड देन 5 2s are 10 मोल ऑफ क्लोराइड आयन। दूसरी वाली इक्वेशन जो है वो ऐसी ही रहेगी क्योंकि उसमें तो ऑलरेडी 10 है ना, उसी को देख के तो बैलेंस किया है। दोनों इक्वेशन तो Cl2 5 Cl2 पर है, 1 Cl2 नीचे है, टोटल 6 Cl2 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल, राइट हैंड साइड पे 10 Cl-1 और 2 Cl+5। अब ये जो Cl2 है इसके साथ 6 है, ऊपर V लिखा हुआ है, तो V की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, 6। अच्छा इसमें ना अब देखो V मुझे 6 तो कहीं नहीं दिख रहा ऑप्शन में, अगर तुम हमारे जो रेशियो बने हैं उसको अगर देखो तो उसमें 6 10 2 है, तो उनमें कॉमन नंबर 2 होता है, तो 2 से सबको डिवाइड कर दें, तो मैं 6 10 2 लिखने के बजाय उसने ना सिंपलेस्ट लिया हुआ है उसका 3 Cl2, 6 / 2 = 3,
अबे 5 Cl-1 और 2 / 2 इज 1, तो 1 Cl+5. तो ये जो Cl2 के साथ जो 3 है वो बेसिकली V है, V जो है वो 3 होगा. राइट हैंड साइड पे जो Cl नेगेटिव है सिर्फ, वो कहाँ से आया है? आपका जो मेन इक्वेशन है उसमें से, उसके साथ X है. X मतलब क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए. और फिर राइट हैंड साइड पे Cl+5 इज एस क्लोराइड से आया, इसके साथ Y है, तो ये 1 होना चाहिए. तो सी बन जाएगा आंसर इसका. सर दोबारा एक्सप्लेन करेंगे, कंफ्यूज हो रहे हैं. कहाँ से दोबारा एक्सप्लेन करें? ये वाली नीचे वाली, ये वाली जी. देखो इस इक्वेशन में ना हमें उसने क्या दिया हुआ था, ये जो हमारा इक्वेशन आई है ना वो ये आई थी. देखो ये बनी थी 6 Cl2 और 2 10 Cl-1 और 2 Cl+1. मैंने क्या किया, इन 6, 10 और 2 में कॉमन नंबर 2 है ना, तो सबको 2 से डिवाइड किया पहले. क्यों किया? क्योंकि 6 वाली वैल्यू मुझे V में कहीं दिख ही नहीं रही है, मतलब 3 दिख रहा है, तो 6 / 2 3 होता है. तो हमने 2 से डिवाइड किया सबको, तो वो बन गया 3 Cl2, 5 Cl-1 एंड 1 Cl+5. Cl2 कहाँ से आया? मेन इक्वेशन में Cl2 यहाँ पर है ना, जिसके साथ V है, पर हमारी इक्वेशन में Cl2 के साथ 3 आ रहा है, तो V जो है वो 3 है, तो V की वैल्यू पता चल गई 3. अच्छा, पर प्रोडक्ट साइड पे Cl-1 के साथ हमारी इक्वेशन में 5 आ रहा है, मेन इक्वेशन में Cl-1 के साथ X, मतलब X वैल्यू 5 है, और हमारी इक्वेशन में Cl+5 के साथ 1 है, 1 आ रहा है, और जो मेन इक्वेशन है उसमें Cl5 के साथ जो है, Cl5 कहाँ पे? ClO-3 में बेसिकली, जो ClO-3 के अंदर ही Cl5 होगा ना, इधर है Cl5, तो इसके साथ Y लिखा हुआ है. हमारी इक्वेशन में Cl5 का 1 आया, मतलब Y की वैल्यू क्या है? 1 है, तो V3 X5 Y1, तो C बन रहा है आंसर. अब देखो ये मुश्किल काम है, हर दफा तो नहीं आता ऐसा, एक ये MCQ में ही आता है, अगर आता है ना, पेपर 2 में नहीं आता है, लेकिन अगर आता है ये तो इसको फिर आप एंड के लिए रखना पेपर में, टाइम वेस्ट नहीं करना है क्योंकि एक मुश्किल काम है. तो ये एक क्वेश्चन और होगा इसका ना, इसमें वो ट्राई करना, खुद करो. मुझे इस वक्त देख नहीं रहा, लेकिन मैंने ना एक क्वेश्चन और डाला हुआ है इसका. के दे देता हूँ उसे ना, अच्छे क्वेश्चन इसके हैं जो हम प्रैक्टिस कर सकते हैं. ठीक है, कोई सवाल है यहाँ तक?